राधे प्रभु जी महाराज जी, जब परमात्मा का नाम लेते हैं तो दो तरीके समझ आए। एक तो जिह्वा से बाहर नाम लेना, दूसरा ऐसा पुकारना जैसे पास के कमरे में से माँ भाई बहन को पुकारते हुए बार बार बुलाना, इस भाव से वो सामने आ जाएं। मेरा मार्गदर्शन करें महाराज जी, मैं दोनों में से किस तरीके से बुलाऊं, मतलब एक तो जिह्वा से बाहर लेके और एक तो पुकारते हुए। देखो, एक होता वाचिक, फिर होता उपांश, फिर होता मानसिक। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, ये वाणी है जो हम बोल रहे हैं, वैखरी वाणी। ये उपांश है, चल रहा है, ये मानसिक है। बिल्कुल शांत मन, शांत इंद्रिया, अब परावाणी से भजन हो रहा है। तो हमें अपनी स्थिति देखनी कि हमारा भजन कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। यदि हमारा थोड़ा मानसिक जप करने के बाद मन भाग रहा है तो हमें मानसिक जप पे ज़्यादा नहीं टिकना चाहिए, हमें तुरंत वाचिक पर आना चाहिए। भाग रहा है ना, अब वो बनेगा नहीं सही। अगर हमारा मन थोड़ा हमें सहयोग कर रहा है तो उपांश जप में आ जाना चाहिए। ऐसे अब लग रहा है कुछ जप रहे हैं, पर क्या जप रहे हैं, कुछ लग रहा है ऐसा, मानसिक जप भी होता है। सामने मंत्र है, कान में सुनाई दे रहा है, आंख में एक एक अक्षर जमा हुआ है और अंदर से परावाणी से न माला है न कुछ, उठते बैठते चलते फिरते हर समय हो। पर यह सिद्धों की स्थिति होती है, साधक को करना होता है। तो अगर हम कम से कम 1.5 वर्ष जवान से अभ्यास करें, बिना प्रयास के उपांशु चलने लगेगा। और अगर हम और कुछ समय उपांशु का अभ्यास करें तो फिर मानसिक में स्थिति आने लगेगी। पर इतना करने में बीच में जो यात्रा है बहुत घबराहट की है। जब पाप नष्ट होते हैं तो जलन पैदा होती है, नाना प्रकार के जो जिंदगी में कभी भी झगड़ा द्वेष अपमान हुआ होगा सब याद आएगा, सब जो पाप किए हैं वो सब सामने आए, क्योंकि भस्म होगा ना। और उस समय साधक को टिक पाना बड़ा कठिन होता है। अच्छा, जो कमजोरी रही वो तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगी, जैसे आप काम क्रोध लो मोह मद वही तुम्हें दबाना शुरू कर देगा, क्योंकि अब युद्ध शुरू हो गया ना, नाम अब विजय करवाएगा ना, तो नाम न छूटे, उत्साह न टूटे और आप आगे बढ़ते रहो तो जीत जाओगे। और इसके लिए साधु संग बहुत जरूरी है। जैसे हम कहीं हार रहे हो और कोई हमारा विश्वास नहीं कह दे, जीत गए, अरे बस जीत गए, उठा पटक बस पटक, तो उसमें बल आ जाएगा। उसने दिया कुछ नहीं, वाणी से केवल बोला तुम निकल गए, घबराना मत, आप बस आगे निकल, आप निकल जाओगे। अरे तुम क्या निकल पाओगे, गए वो निरुत्साहित होकर मर जाएगा। क्यों, उत्साह बढ़ाना। तो संत संग क्या करता है, हमें रोज उत्साह बढ़ाता है भगवत भजन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। तो हम अपनी स्थिति को देखें कि हमारी स्थिति क्या है। अगर कुछ मिनट हम जब शांत होकर जपते फिर मन भाग जाता है, परेशानी, अभी हमारी मानसिक स्थिति नहीं, हमें उपांशु में आना, और उपांशु में भी जी घबराने लगता है, परेशानी हो रही, तो नाम कीर्तन करना, राधा वल्लभ राधा राधा वल्लभ सिंह राधा, अनेक राग रागिनी से इसीलिए हमने छूट दिए कि आप अनेक धुनियों में गाओ। संसारी आदमी है, तुम्हें पसंद है ये धुनी, उसी पसंद धुनी में राधा नाम लगाओ। राधा नाम जहर है, पर उसे शोध करके दो, जब शोध करके दोगे तो दवाई का काम कर जाएगा। संसारिक धुनी है पर लगाओ राधा नाम उसमें, और आप गाओ राधा राधा राधा, तो भाव कुभाव अनखाल सहु नाम जपत मंगल दिशि दशो। समझ पा रहे प्रश्न करता जी।